इज ऑल्सो अ सब ग्रुप. इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप. सो लेट एच वन एंड एच टू बी एनी टू सब ग्रुप्स. एच वन एंड एच टू बी एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी. दो सब ग्रुप्स हैं. Then H1 and H2 are non-empty. H1 and H2 are non-empty. पहली कंडीशन यही होती है, फंक्शन नॉन एम्प्टी, सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए. H1 और H2 दोनों ही नॉन एम्प्टी है. दिस मीन्स H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी. क्योंकि कम से कम एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो दोनों में होगा ही. अब इसको सब ग्रुप प्रूव करना है. लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू. मीन्स दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू, ए एंड बी बिलोंग्स टू एच वन and A and B belongs to H2. Since H1 is a subgroup of a group G, then by the necessary and sufficient condition, by the necessary and sufficient condition H1 के लिए, अगर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, ए बी अगर H1 को बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन. देन फ्रॉम द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन. सिमिलरली सिमिलरली फॉर एच टू, एच टू के लिए भी ए बी इनवर्स एच टू को बिलोंग करेगा क्योंकि एच टू भी सब ग्रुप है. जब ए बी इनवर्स एच वन एच टू दोनों को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू. ए और बी एच वन इंटरसेक्शन एच टू को बिलोंग कर रहा है, इससे आगे ए बी इनवर्स एच वन इंटरसेक्शन एच टू को बिलोंग कर रहा है, ये नॉन एम्प्टी भी है. तो फ्रॉम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी. ये प्रूव करना था कि दो सब ग्रुप्स हैं, उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा. H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ. तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हर बार आपको सबसेट और सारों चारों कंडीशन नहीं यूज करनी, सिर्फ एक कंडीशन से, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से कि नॉन एम्प्टी हो और ए बी इनवर्स उस सबसेट को बिलोंग करे फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ सेट, तब ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें आता है साइक्लिक ग्रुप्स. साइक्लिक ग्रुप्स साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, अ ग्रुप जी, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड
साइक्लिक ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी एवरी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए की पावर एन फिर एन इज इंटीजर ऑल्सो ऑल्सो इन जी देन ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी डेफिनेशन है अगर ए बिलोंग्स टू जी तो उसकी इंटीग्रल पावर के फॉर्म में अगर एलिमेंट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस थ्री इस तरह के अगर हैं तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा जहाँ पे ए को जिसकी पावर्स में ले रहे हैं जो बेस एलिमेंट है ए उसको हम कहते हैं जनरेटर. फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स हमने ले ले वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि ओमेगा क्यूब अगर लेंगे ओमेगा क्यूब फिर वन हो जाएगा फिर ओमेगा की पावर फोर लेंगे तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा जो ओमेगा हो गया तो इट इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा. एक तो जनरेटर ओमेगा है और कोई जनरेटर है कि नहीं इसका जनरेटर कितने हो गए ये बाद में करेंगे अभी तो एक जनरेटर ये ओमेगा से जनरेट हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से भी ये जनरेट होगा इसके दो जनरेटर होंगे कितने जनरेटर के चीज डिटेल बाद में है अभी एक जनरेटर ओमेगा. थ्योरम एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन. अबेलियन है मीन्स क्या प्रूव होना क्या होना चाहिए इसमें अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए तो ग्रुप तो है यहाँ पर सिर्फ हमको कम्यूटेटिव प्रूव करना है. लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स ऑफ जी. एक्स और वाई जी के दो एलिमेंट हैं और जी हमारा ए से जनरेट हो रहा है इसका मतलब एक्स और वाई ए की सम पावर्स होंगे. देन एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ पे हो गया ए की पावर मान लीजिए आर है एंड वाई इज इक्वल टू ए की पावर एस दोनों ही इंटीजर है वेयर आर एंड एस आर सम इंटीजर्स. तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर एस ए टू द पावर आर प्लस एस आर और एस इंटीजर हैं तो एडिशन कम्यूटेटिव होगा इसको हम ए की पावर एस प्लस आर लिख सकते हैं विच इज ए की पावर एस इंटू इंटू ए की पावर आर. ए की पावर एस इज वाई एक्स तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स तो जी इज कम्यूटेटिव दिस मीन्स जी इज अबेलियन. साइक्लिक ग्रुप इज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन.
नेक्स्ट थ्योरम इफ ए इज अ जनरेटर, इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी. अगर कोई ग्रुप जी से ए से जनरेट हो रहा है तो ए इनवर्स से भी, सेम ग्रुप ए इनवर्स से भी जनरेट होगा. प्रूफ, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए. ए से जनरेट हो रहा है इसका मतलब ए की कोई इंटीग्रल पावर अगर ले ले, ए की पावर आर, कि ये जी का एलिमेंट होगा, फिर आर इज सम इंटीजर. ए की पावर आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस वन माइनस आर. आर अगर इंटीजर है तो माइनस आर भी इंटीजर होगा. आर इंटीजर इंटीजर है तो माइनस आर भी इंटीजर होगा. इसका मतलब जी का कोई भी एलिमेंट ए इनवर्स की इंटीग्रल फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट जी का है, विच इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स. ए के एलिमेंट को हम ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो दिस मीन्स ए इनवर्स इज द जनरेटर ऑफ जी. ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी. प्रूव हो गया ए का जनरेटर. ए ये हमारा जी साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है. ए से जनरेट हो रहा है तो ए की कोई इस ग्रुप में कैसे एलिमेंट होंगे, ए की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे, ए ए स्क्वायर ए क्यूब, या ए की नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ए की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस टू, ए की पावर माइनस थ्री, किसी भी तरह के. तो हमने ले लिया ए की पावर आर जी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये ए से जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आर कोई इंटीजर है. अगर आर इंटीजर है तो माइनस आर भी इंटीजर होगा, टू इंटीजर है तो माइनस टू भी इंटीजर होता है. उसी तरह से अगर आर जनरेटर है तो माइनस आर भी इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा. अब जी के इस एलिमेंट को ए की पावर आर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ये ए की ये है क्या, ए इनवर्स की पावर माइनस आर. माइनस आर इंटीजर है तो ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख दिया हमने जी के एलिमेंट को. ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं जी के किसी एलिमेंट को. तो किसी भी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस मीन्स ए इनवर्स इज जनरेटर, ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी. बस यही प्रूव करना था. अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला हम सेट ले लें, ग्रुप मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप वन माइनस वन आई माइनस आई, तो किससे जनरेट हो रहा है ये, आई से जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसको वन है हमारा, आई की पावर फोर हो गया, माइनस वन आई स्क्वायर हो गया, आई हो गया, और माइनस आई हो गया आई का क्यूब, आई क्यूब माइनस आई हो गया. यस यस मैम. तो ये हमारा आई से जनरेट हो रहा है, आई 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 स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर फोर, आई से जनरेट हो रहा है. अब देखिए माइनस आई से भी जनरेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आई का इनवर्स क्या होगा इसमें, आई का इनवर्स क्या होता है, आई का इनवर्स माइनस आई होता है. आई को माइनस आई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो दैट इज ये वन आएगा. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, आई और माइनस आई. तो
अगर ये ग्रुप हमारा आई से जनरेट हो रहा है तो देखिए माइनस आई से भी जनरेट होगा। इसी को हम लिख दें अगर, तो देखिए पहला माइनस आई तो हो ही है, ही एलिमेंट माइनस आई है, फिर माइनस आई का स्क्वायर, माइनस आई का स्क्वायर क्या हो गया वन। देखिए माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन, माइनस क्योंकि माइनस माइनस वन आई स्क्वायर आएगा, माइनस वन होगा मैम वो भी है। यस मैम, वन होगा माइनस वन होगा, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव हो गया, फिर आई स्क्वायर बचा। अब माइनस आई का क्यूब, माइनस आई का क्यूब क्या होगा, माइनस आई, माइनस आई होगा, आई होगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस तो है ही इसमें, माइनस क्योंकि माइनस वन की पावर थ्री माइनस होगा, फिर आई स्क्वायर एक माइनस वन दे देगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा, वो भी है यहाँ पर, फिर माइनस आई की पावर फोर प्लस वन, चार एलिमेंट आ गए इसलिए ये है हमारा आई, फिर ये माइनस वन, वन और आई, चारों एलिमेंट यही होते। अगर ये ग्रुप हमारा आई से जनरेट हो रहा है तो आई के इनवर्स मीन्स माइनस आई से भी जनरेट हो रहा है, इसका यही है। अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। ठीक, यस मैम, नेक्स्ट इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ऑर्डर पी, वेयर पी इज प्राइम, P प्राइम है, तो हमको प्रूव करना है G साइक्लिक है, वी हैव टू प्रूव दैट G इज साइक्लिक, वी हैव टू प्रूव दैट G इज साइक्लिक, P प्राइम नंबर है तो P यहाँ पे जीरो भी नहीं हो सकता, P वन भी नहीं हो सकता, तो P के डिवाइजर्स क्या है, प्राइम है इसका मतलब या तो इसके डिवाइजर वन होगा या इटसेल्फ P होगा, इटसेल्फ यही तो होगा। सिंस G इज ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो जी में कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर प्राइम ऑर्डर है तो एटलीस्ट कितने एलिमेंट हो सकते हैं जी, दो एलिमेंट, दो, क्योंकि लीस्ट प्राइम क्या होता है, टू होता है, वन तो प्राइम होता है नहीं है। सिंस जी इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर तो जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, जी must contain at least two element since two is a least prime. दो elements हैं group है तो इसमें एक तो identity होगा ही होगा, G में एक element identity तो होगा ही और एक दूसरा element different from identity होगा जहाँ पे A हमारा identity नहीं है, तो G contains an element A in G where A is not equal to E. There must exist an element A which is not equal to E. अब A identity element तो नहीं है, since A identity नहीं है तो A का order क्या होगा, order of A, जीरो क्यों होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वन, मैम वन, तो अगर ए इज इक्वल टू ई होता तब वन होता, क्योंकि ऑर्डर के लिए क्या है, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब होता है यहाँ पे, तो एन अगर हमारा वन होता तो ए इज इक्वल टू ई होता,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर या तो दो होगा या दो से ज्यादा ही होगा। क्योंकि ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है, जब एन इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव अगर एन हमारा वन हो जाता है तो ए इज इक्वल टू ई होगा तब। तो अगर ऑर्डर ए का वन होगा, अगर ए का ऑर्डर वन होगा तो दिस मीन्स ए की पावर वन इज इक्वल टू ई होगा। यहाँ पे क्या है, ए हमारा ई के इक्वल नहीं है, नहीं है यहाँ पे, तो वन से ज्यादा, तो छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। यस मैम। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, देन एच is a cyclic subgroup of G, cyclic subgroup of G generated by A, cyclic subgroup of G generated by A. And order of H is equal to order of A, which is equal to M. Then by Lagrange's theorem, इसका proof बाद में कराएंगे। Lagrange's theorem एक लिख लीजिए। Lagrange's theorem है कि group, subgroup का order group के order को divide करता है। ये लग्रांजेस थ्योरम है। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप का प्रूफ आपको बता देंगे, साइक्लिक में इसी का यूज हो रहा है। अब ग्रुप का ऑर्डर तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप का ऑर्डर तो दो, अगर ग्रुप में कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे, देन बाय लग्रांजेस थ्योरम M must be the divisor of this P. M must be the divisor of P. But P is prime. M P को डिवाइड कर रहा है, P prime है, तो M P prime है, least prime 2 होता है, तो M हमारा 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। M is greater than or equal to 2. M is greater than or equal to 2. तो इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कौन क्या होना चाहिए, कि M हमारा greater than or equal to 2 है, P भी प्राइम है, तो M must be equal to P. M हमने सब ग्रुप का ऑर्डर था यहाँ पर, और यहाँ पे ये ग्रुप का ऑर्डर था, सब ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप लिया है, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो एलिमेंट H में है वही सारे एलिमेंट G में है, तो H साइक्लिक है तो G भी साइक्लिक होगा। H में M एलिमेंट है, M और P बराबर है और H साइक्लिक है, इसमें जी हमारा एच के इक्वल होगा, एच साइक्लिक है तो जी भी साइक्लिक होगा। तो ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। क्लास आप लोग टाइमली ज्वाइन किया करें, इतनी लेट सब और लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं?
नेक्स्ट थ्योरम इसमें, इफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, इफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, सॉरी इफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, हाँ, और आप लोग अपनी आईडी से ज्वाइन करी, नाम अपने क्लियर लिखिए, जैसे अटेंडेंस में आए नाम, किस किस नाम से आप लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपनी आईडी से अपने नाम से ज्वाइन करिए, सब लोग अपनी आईडी बनाइए। नेक्स्ट थ्योरम, इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए, जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर एन, एन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर एन, देन ए की पावर एम, देन ए की पावर एम इज ऑल्सो अ जनरेटर, इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी, इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, इफ एंड ओनली इफ एम एंड एन आर relatively prime, m and n are relatively prime, relatively prime आपको बता चुके हैं क्या होता है relatively prime, great common divisor one, तो इसमें अगर हमको क्या प्रूव करना है कि g cyclic group है जनरेटेड बाई ए और ए का ऑर्डर एन है, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे एन गिवेन है, तब ए की पावर एम भी इसका एक जनरेटर होगा, इफ एंड ओनली इफ एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। प्रूफ, लेट M and N are relatively prime. M and N are relatively prime. M or N relatively prime है, this means there exist two integers x and y such that एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू वन। अब लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि ग्रुप हमारा ए से जनरेट हो रहा है तो ए तो उसमें होगा ही, तो इस ए को सिंस जी इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो ए बिलोंग्स टू जी, ए तो होगा ही उसमें, a means a की पावर वन, वन हमारा यहाँ पे क्या है एम एक्स प्लस एन वाई, तो a की पावर एम एक्स प्लस एन वाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ग्रुप हमारा ग्रुप कैसा है, g इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय a, a से जनरेट हो रहा है, a की इंटीग्रल पावर्स उसमें है, a की इंटीग्रल पावर्स है, तो a तो उसमें होगा g में, yes, a तो g में होगा, Yes, तो इस a को हम a की पावर वन लिख सकते हैं, a का मतलब क्या हो, a की पावर वन, और वन किसके इक्वल है mx plus ny के, तो इस वन को हमने mx plus ny लिख दिया, अब इसको a की पावर mx into a की पावर ny, it is a की पावर m की पावर x, a की पावर n की पावर y, a की पावर n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ a n गिवन है, दिस मीन्स n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू e, यहाँ पे e क्या है, आइडेंटिटी है,
ए की पावर एन हो गया ई, ए की पावर एम की पावर एक्स इज ई की पावर वाई, ई की पावर वाई क्या होगा, ई ही होगा, और ई से जब ए की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आएगा ए की पावर एम की पावर एक्स। यस सर। तो ग्रुप के किसी एलिमेंट में ए को हम ए की पावर एम की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर। यस मैम। एक जी का एलिमेंट है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ए की पावर एम की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। Yes, तो ये ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब ए की पावर एम की इंटीग्रल पावर में एलिमेंट है तो वो भी ग्रुप का एलिमेंट हो गया, तो ये इसका जनरेटर इसका भी हो गया। साइक्लिक ग्रुप में यही होता है किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में हो जाए। देयरफॉर ईच इंटीग्रल पावर ऑफ ए will be some integral power of a की power m. Each integral power of a will be some integral power of a की power m. Therefore, a की power m is also a generator of g. a की power m is also a generator of g. अगर रिलेटिवली प्राइम है तो जनरेटर प्रूव हो गया। कन्वर्सली ओके मैम। कन्वर्सली अब क्या सपोज करेंगे कि अगर ए की पावर एम अगर जनरेटर है तो क्या प्रूव करेंगे हम इसे, एम प्राइम रिलेटिवली प्राइम प्रूव करेंगे। नाउ सपोज ए की पावर एम इज अ जनरेटर ऑफ जी, ए की पावर एम इज अ जनरेटर ऑफ जी एंड लेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एंड एन इज डी, लेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एंड एन इज डी विच इज ग्रेटर देन वन। हमने सपोज किया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है विच इज ग्रेटर देन वन, दोनों में डी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अगर दोनों में d कॉमन डिवाइजर है इसका मतलब m हमारा d से डिवाइड हो रहा है, n भी d से डिवाइड हो रहा है, m और n दोनों ही d से डिवाइड हो रहे हैं। यस मैम। तो m और n जब दोनों d से डिवाइड हो रहे हैं तो m अपॉन d और n अपॉन d दोनों ही इंटीजर्स होंगे। यस मैम। डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों ही इंटीजर्स होंगे। ए की पावर एम की पावर एन अपॉन डी, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन की पावर एम अपॉन डी। लिख सकते हैं? Yes, ma'am. ये एलिमेंट हमने एम इंटू एन है, m यहाँ पर है, n यहाँ पर है, इस m को आप यहाँ ले लीजिए, n को यहाँ ले लीजिए, a की पावर m n upon d ले रहे हैं हम खाली। मैम a की पावर m की पावर n upon d ये सर। हाँ। ये हमने एलिमेंट के कंसीडर किया कि ये दोनों सेम होंगे ना? यस कंसीडर करते। ये दोनों सेम होंगे? यस मैम। अब a की पावर n किसकी इक्वल है? e की, क्योंकि ऑर्डर है इसका। यस इट इज e की पावर m upon d। E की पावर एम अपॉन डी किसके इक्वल होगा? E के ही इक्वल होगा। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, A की पावर M की सब इंटीग्रल पावर कितनी इंटीजर है? तो N अपॉन डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, N अपॉन डी एक पॉजिटिव इंटीजर है और इट इज लेस देन N है ये। ए की पावर एन अपॉन डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए की पावर एम की सम पॉजिटिव पावर, ये हमारा ई के इक्वल आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा?
ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम एन अपॉन डी एन अपॉन डी या मीन्स एन से छोटा है एन अपॉन डी है तो एन से छोटा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज लेस देन एम देयरफॉर ए की पावर एम कैन नॉट बी अ जनरेटर ऑफ जी ए की पावर एम कैन नॉट बी अ जनरेटर ऑफ जी बिकॉज द ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बिकॉज द ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी ए की पावर एम ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी तो जो हमने सपोज किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जनरेटर हमने सपोज किया था इससे हमारा ये जनरेटर नहीं बन रहा है सो डी मस्ट बी इक्वल टू वन डी मस्ट बी इक्वल टू वन यहाँ हमने ग्रेटर देन वन लिया था डी मस्ट बी वन डी वन हो गया इसका मतलब एम एन एन आर रिलेटिवली प्राइम तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप का अगर हमको जनरेटर फाइंड आउट करना है तो साइक्लिक ग्रुप में ग्रुप का ऑर्डर और उसके एक एलिमेंट का ऑर्डर उसके एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है तो सबसे पहले साइक्लिक के लिए हमको ये दिखाना होगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जैसे यही एग्जांपल लग लीजिए वन माइनस वन आई माइनस आई अगर ये हमारा ग्रुप है तो इसमें ग्रुप का ऑर्डर फोर है और इसके एक एलिमेंट का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ आई जनरेटर का ऑर्डर क्या है वो भी फोर है जनरेटर का ऑर्डर ही फोर है ग्रुप का ऑर्डर ही फोर है तो ये साइक्लिक ग्रुप अभी देखा था ये साइक्लिक होता है तो अगर आपको इसमें दिया है कोई भी आपको दिया है मान लीजिए कोई ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर आपको गिवन है सिक्स तो आपको ये बताना है इस ग्रुप में कितने जनरेटर होंगे ग्रुप का ऑर्डर सिक्स है अभी जो हमने थ्योरम प्रूव करी है अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है एन से रिलेटिवली प्राइम जितने भी नंबर्स होंगे तो ए की पावर एम उतने ही जनरेटर हो जाएंगे तो ऑर्डर सिक्स है तो सिक्स से प्राइम नंबर्स रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से होंगे कितने नंबर्स होंगे रिलेटिवली प्राइम सिक्स से सिक्स और वन में अगर लें तब वन होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिक्स का टू से लेंगे तो टू आ जाएगा सिक्स तो तब भी इसमें भी वन इसमें नहीं वन नहीं होगा इसका मतलब सिक्स का थ्री से भी वन नहीं होगा सिक्स का फोर से सिक्स का फाइव से लेंगे तो क्या होगा वन आएगा सिक्स का सिक्स से ये भी वन नहीं होगा तो दो नंबर है रिलेटिवली प्राइम वन और फाइव सिक्स रिलेटिवली प्राइम दो है वन और फाइव तो एक तो जनरेटर अगर ए है ही इसमें इसका मतलब कितने जनरेटर होंगे इसमें दो जनरेटर होंगे एक और दो अगर ए एक जनरेटर है तो ए की पावर फाइव दूसरा जनरेटर होगा जो भी ग्रुप का ऑर्डर है उससे रिलेटिवली प्राइम में जितने नंबर्स होंगे उतने ही जनरेटर ग्रुप के होंगे अगर मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर एट है तब कितने जनरेटर होंगे इसमें एट से रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से नंबर होंगे एट के ऊपर नहीं जाना एट तक ही रहना है क्या क्या होगा एट से रिलेटिवली प्राइम वन उसके बाद फोर होंगे वन थ्री फाइव सेवन वन थ्री फाइव सेवन तो इस ग्रुप में जिसको ऑर्डर एट है उसके चार जनरेटर होंगे
अगर एक एलिमेंट मान, अगर ए अगर ग्रुप को का एलिमेंट दिया हुआ है तो एक जनरेटर ए हो गया, एक जनरेटर ए क्यूब हो गया, ए की पावर 5 हो गया और ए की पावर 7 हो गया। जैसे अगर वही आई माइनस आई वाले में उसका ऑर्डर 4 है, 1i-1-i, इसका ऑर्डर 4 है, इसके जनरेटर कितने होंगे? एक आई जन आई तो इसका जनरेटर है एक, कितने? दो जनरेटर हमने देखे थे पहले भी, अब देखिए इस तरह से भी देख लीजिए, 4 से रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से होंगे? 1 और 3। तो अगर आई एक जनरेटर है तो आई क्यूब दूसरा जनरेटर होगा, आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज माइनस आई एक जनरेटर हो जाएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर ले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें अगर एक जनरेटर ओमेगा है तो दूसरा जनरेटर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है तो 2 और 3 रिलेटिव प्राइम, तो एक ओमेगा स्क्वायर जनरेटर हो जाएगा। इस तरह से हम जनरेटर चेक करते हैं किसी भी ग्रुप के, साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे। ठीक, आज का जितना बताया सब क्लियर है सबको? मैम जनरेटर कितने होंगे ये तो पता चल जाएगा, मैम कौन कौन से होंगे ये कैसे? एक जनरेटर अगर आपको पता है, मैंने बताया ना जैसे इसमें आपको पता है एक जनरेटर आई है, इसमें एक आई है, तो 1 और 3 दो रिलेटिव दो नंबर हैं जो इसके, तो एक आई हो गया आई की पावर 1, दूसरा आई की पावर 3 हो जाएगा। मैम रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, मैम एक बार बता दीजिए। रिलेटिवली प्राइम की दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम कब होते हैं? जबकि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो 1 हो, जैसे 3 और 5, HCF दोनों का 1 है। यस मैम, यही होता है रिलेटिवली प्राइम। ओके मैम, ठीक। डेफिनेशन वन में बताया था x और y अगर दो इंटीजर्स है सच दैट इन दोनों के लिए 3x + 5y = 1, ये हम कह देते हैं रिलेटिवली प्राइम को, जहां x और y दो इंटीजर्स होते हैं। yes. ये डेफिनेशन है। ओके मैम, चलिए ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी आप लोग देखिएगा करिएगा, इतने जनरेटर्स हैं, क्या है, कैसे ग्रुप फॉर्म होता है, और इसमें आपको ये भी प्रूव करना है कि ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है साइक्लिक ग्रुप में। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अगर दोनों दोनों बराबर है तभी ग्रुप साइक्लिक होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते।